वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो सिंपली आपको पता होगा कि मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ प्रोफेसर सॉफ्टवेयर है, वो आपको सिंपली प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैंने आपको लिंक दी। शॉर्ट में बताने वाला हूँ कि क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें कि वेव जनरेट होते हैं। सो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, ऐसा वाला आता है। सो गाइस यार, हम इसे स्टेप वाइज समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा सबसे पहला टास्क ये होगा कि हम सारे कंपोनेंट को कलेक्ट करेंगे। सो कंपोनेंट कलेक्ट करने सिंपली ऐड बटन पर क्लिक कीजिएगा और फिर उसमें जाके मैं जैसे जैसे बताता हूँ वैसे कंपोनेंट ऐड कर दीजिएगा। तो हमको लगने वाले 3 रजिस्टर्स, 1 2 3, और हमको लगेगा 4 कैपेसिटर्स। तो हमको 4 कैपेसिटर्स ऐड करने हैं। सिंपली ये सब कुछ ऐड करने के बाद हमको इन्वर्टर गेट ऐड करना होगा। तो इन्वर्टर गेट के लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद हमको लगेगा 2 ग्राउंड्स। तो चलिए अब हम मेन सर्किट्स बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रजिस्टर लेंगे, उस रजिस्टर को ऐसे करके फिर हमको इसको ऐसे एक ऐसे वायर लगाना होगा। और सिंपली हमें इसके बाद इन्वर्टर ऐसे ऐड करना होगा। इन्वर्टर को हमको ऐसे यहाँ पे फिक्स करना होगा। तो इसे ऐसे कनेक्शन देने के बाद हमको तो मैं कंपोनेंट की वैल्यू जैसे ऐड करा वैसे आप कीजिएगा। इस रजिस्टर की वैल्यू हमको एडजस्ट करके करनी होगी 1 mΩ। इस कैपेसिटर की वैल्यू हमको करनी होगी 1 pF। इस इंडक्टर की वैल्यू हमको करनी होगी 1 mΩ, सॉरी 2 mH। इस रजिस्टर की वैल्यू हमको रखनी होगी 100 ohms। इसके बाद इस रजिस्टर कैपेसिटर की वैल्यू हमको रखनी होगी 10 pF। और इस दो कैपेसिटर की वैल्यू हमको 20 pF रखनी होगी। सो गाइस यार, मैंने सर्किट में मॉडिफिकेशन कर ली है, तो आप सब कुछ देख सकते हैं। 3.6 MHz का ऑसिलेटर है, इसके ऑसिलेशन देख सकते हैं आप, इसे आउटपुट को ऐसे आएगा। सो गाइस यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।